इस बंदे ने उन पे झूठा आरोप लगाया था कभी कि उनका यूट्रस नहीं है, वो माँ नहीं बन सकती है, ऐसा कुछ भी। किसी भी लड़की के लिए बहुत तकलीफ देने वाला ये वर्ड है। मैं तो उनकी उनको देख के जितना एटलीस्ट मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, जितने भी लोग थे आंसू आ गए थे। बट मैं आप लोगों को खुद उनका मैसेज सुना देता हूँ। हालांकि वो खुद ही इंसिस्ट की कि ये सारे वो अपनी तकलीफ अपनी जनता तक पहुँचाएँ। आप सुनिए इस आवाज़ को। ऑडियो बढ़ाओ भाई, ऑडियो बढ़ाओ। कैमरा पीछे चलो, ऑडियो भेज देना आप। हाँ, ऑडियो ग्रुप में भेज मैं चाहूँगा कि ये जो रोते हुए, नहीं तो मैं आप दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र करके आपको भेज सकता हूँ, उसमें साउंड है तो बट ये नहायत ही वाहियात किस्म का इंसान है जिसने उसको बहुत तरीके से प्रताड़ित किया, हर तरीके से, ना कि सिर्फ फाइनेंशियली। उसने काफ़ी डिफेमेशन भी किया है। हम लोग इस पर लीगल एक्शन भी लेने की सोच रहे हैं क्योंकि आज उनके यूट्रस में ट्यूमर पाया गया है, राइट? तो यूट्रस नहीं कहना, ये सारी बेबुनियाद बातें कहता था, तरह तरह के उसको आरोप लगाता था। ये लड़की को डिफेम करना चाहता था ताकि उसका कभी भी भविष्य में वो कहीं नहीं आए। और बार बार ये राखी आज रो रो के यही कह रही थी, ये सारे ऑडियो मैं आपको भेज दूंगा, रो रो के यही कह रही थी कि उसका ये साजिश था। वो बार बार उसको राखी को धमकी देता था कि मैं तुमको ऐसी हालत में कर दूंगा, मैं तुमको इतना परेशान कर दूंगा, इतना डिफेम कर दूंगा कि कोई लड़का तुमसे शादी नहीं करेगा, कोई लड़का तुम्हारे बातों पर विश्वास नहीं करेगा, कोई देश की जनता कोई नहीं विश्वास करेगी, तुम पागल की स्थिति में हो जाओगी और अंत में तुम सुसाइड कर लोगे। ये अक्सर उसको कह धमकियाँ देता था। तो आज राखी जब होश में आई, बिकॉज आज मैं आपको बताऊं कि वो थोड़ा सा कॉशियस थी, एटलीस्ट आज बातें कर पा रही थी, तो बार बार रो के यही ये बातें कह रही थी कि मुझे रितेश, अगर तुम नहीं रहते तो ये मुझे पागल करने के, मुझे ऐसे। हालांकि काफ़ी हद तक वो कॉर्नर कर दिया था क्योंकि एक साथ झुंड में सारे लोग अटैक किए थे, जिसके वजह से कहीं ना कहीं देश की जनता को भी ये लग गया था कि पता नहीं ये सच्चा है क्या है नहीं है। बहुत सारे लोग, क्योंकि झुंड में ये क्या होता है ना कि सभी लोग मिल के कहना शुरू करेंगे तुम पागल हो, तुम ये हो, तुम वो हो, लोग यकीन कर लेते हैं। और राखी हमेशा हंसने बोलने वाली लड़की है, हमेशा अपना हंसी खुशी रहने वाली लड़की है, उसको हमेशा टारगेटेड किया गया। तो कहीं ना कहीं ये इसकी वजह से उसके आंतरिक जो पीड़ा हुई है ना, वो जो उसके दिल पे और दिमाग पे जो असर हुआ है वो काफ़ी गहरा है। अभी आज भी वो रो रो के यही कह रही थी कि रितेश, आप नहीं रहते तो ये कम, ये इसकी साजिश थी कि मुझे कॉर्नर कर देने का। और बहुत हद तक इन्होंने कर भी दिया था, लेकिन आज कहते हैं ना कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है। बहुत सारे लोग उसके सपोर्ट में भी खड़े हो गए हैं क्योंकि राखी को आज जिस तरीके से लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, देश की जनता का सपोर्ट मिल रहा है, वो बहुत ही काबिले तारीफ़ है। हालांकि हाउएवर कुछ लोग आज भी उसको, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ, राखी देखो, राखी जो नाटक करती है वो सबको पता चल जाता है क्योंकि वो बहुत खुलेआम मुँह पर बोलती है। आज कुछ एंकर मैं